हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नेट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस कहानी में हम देखेंगे सुपरमैन वर्सेस सुपरमैन, यानी कि अर्थ 2 का सुपरमैन और अर्थ 0 का सुपरमैन, यानी कि काल एल वर्सेस सुपरमैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ 2 पर, जहाँ पर काल एल अब जाग चुका था ब्लैक लैंटर्न रिंग के साथ। दूसरी तरफ हम स्मॉल विले में देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे ग्रेन के प्राइस को लेकर, और वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो दोनों उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों का ध्यान भटकाते हुए उनका ध्यान आसमान की तरफ ले जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले तो सूरज था, लेकिन थोड़ी देर बाद सूरज के आगे एक काला साया आता है जिसे वो एक ब्लैक क्लाउड समझ के इग्नोर कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में एक शेरिफ अपने सुपरवाइजर से ये कह रहा था कि मैं पुलिस फोर्स छोड़ रहा हूँ, इस पर उसका सुपरवाइजर उससे कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो बताता है क्योंकि मैं अब बोर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने ये नौकरी जिस वजह से ज्वाइन की थी वो अब रही ही नहीं, यहाँ पर कुछ करने को है ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइंस पुलिस ज्वाइन कर लूँ। इस पर सुपरवाइजर समझाता है कि बेटा पहली बात तो ये तुम्हें साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और दूसरी बात ये कि पुलिस वालों को वर्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं रहे। और तभी उसे कोई नीचे खींच लेता है, और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस जमीन में बहुत बड़ा छेद हो चुका था और वो सुपरवाइजर उसी के अंदर गिर चुका था। उस होल में अपनी गन तानते हुए वो शेरिफ अपने सीनियर को आवाज देता है, और तब हम देखते हैं कि वो उस वक्त फियर से भरा हुआ था, और उस वक्त था पावर लेवल 3.44%, और उस शेरिफ को खाने के बाद पावर हो चुका था 3.45%। दूसरी तरफ स्मॉल विले के ड्राइव इन सिनेमा में कपल्स रोमांस कर रहे थे, इस वजह से उनका कलर स्पेक्ट्रम वायलेट था, यानी कि लव। लेकिन जब वो काला साया वहाँ पर पहुँचता है, तब उस कपल के साथ सारे लोगों का कलर स्पेक्ट्रम हो जाता है येलो, यानी कि फियर का, और उनकी पावर एब्सॉर्ब करने के बाद पावर लेवल हो चुकी है 3.82%। दूसरी तरफ सुपरमैन के घर में, जहाँ पर सुपरमैन, सुपरबॉय और उनकी माँ सभी बैठकर अपने फैमिली और अपने कामों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर सुपरबॉय को एक काम मिलता है क्रिप्टो को खाना खिलाने का, और वहीं पर सुपरमैन उससे उसके स्कूल के बारे में पूछता है, और वो आगे कुछ बता पाता इससे पहले ही क्रिप्टो कुछ सुनता है, और उसके सुनते ही सुपरमैन और सुपरबॉय दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें जाना होगा, और क्रिप्टो को वहीं रोककर वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं, और वो चले जाते हैं ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर वो दोनों जिस चीज को देखते हैं उस चीज को देखकर उनका कलर स्पेक्ट्रम येलो यानी कि फियर से भर जाता है। और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि अर्थ 2 का काल एल था, जो कह रहा था मैं बेट लगाकर कह सकता हूँ कि तुम लोग अपने पा को बहुत मिस कर रहे होगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, तुम लोग उन्हें जल्दी देखोगे। और तब हम देखते हैं कि वो एक ग्रेव खोद रहा था, और इतना देखते ही सुपरमैन उससे कहता है काल एल तुम ऐसे नहीं थे, तुम ये हो ही नहीं। लेकिन वो उससे आगे कुछ कह पाता तभी काल एल उन दोनों पर हमला कर देता है, और सुपरबॉय को लेकर वो स्पेस में चला जाता है, और यहाँ पर सुपरमैन काल एल के वार से संभलते हुए उसके पीछे चला जाता है। इस पर काल एल उससे कहता है तुम पागल हो, तुम कॉर्नर को बचाने यहाँ पर आए हो क्यों? और वो कॉर्नर से कह रहा था तुम तो पहले से ही मरे हुए हो, क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम फिर से हमें से एक बन जाओ। और ये बात सुनकर कॉर्नर फियर और विल दोनों से ही भर जाता है, लेकिन यहाँ पर सुपरमैन जो कि सुपरबॉय को बचाने आया था उसे काल एल कहता है क्या बात है काल, तुम हमेशा से ऐसे ही हो है ना, लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ। और तब हम देखते हैं कि सुपरमैन फियर विल रेज होप और लव से भरा हुआ था। दूसरी तरफ घर में क्रिप्टो को कुछ सुनाई देता है, और अपने दोनों मास्टर के एब्सेंस में यानी कि सुपरबॉय और सुपरमैन इन दोनों के एब्सेंस में अब पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी, इस वजह से वो घर के बाहर देखने चला जाता है कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है एक हार्ट हिट के साथ, और तब हम देखते हैं कि माँ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी वो देखती है कि एक काला साया अंदर आ रहा है, और तब हम देखते हैं कि वो काला साया और कोई नहीं बल्कि लुइस थी, जो कि अब ब्लैक लैंटर्न बन चुकी थी, और उसे देखते ही कलर स्पेक्ट्रम फेयर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में सुपरबॉय काल एल और सुपरमैन आपस में अभी भी लड़ रहे थे, जहाँ पर काल एल उससे कहता है कॉर्नर तुम मुझे अपना हार्ट दे दो, याद करो वो पीस, वो कामनेस, वो शांति, तुम ये सब फिर से पा सकते हो। लेकिन इससे आगे वो कुछ कह पाता सुपरमैन उसे पीछे से पकड़ कर कहता है उसे दूर हटो, लेकिन काल एल उसे कहता है तुम हमें डिस्टर्ब करने फिर से क्यों आ गए काल, ये जीव ना ही क्रिप्टोनियन है ना ही ह्यूमन, और ये किसी काम का भी नहीं है, ये बेकार चीज है,
तुम्हें इसके बारे में इतनी चिंता क्यों है? क्या तुम इडियट हो? और इतना कहते ही वो सुपरमैन को अपने से दूर कर देता है और कहता है, मैं भूल कैसे गया, तुम तो पहले से ही इडियट हो। तुम इतने इडियट हो कि तुम अपने वर्ल्ड को भी सेव नहीं कर पाए, यहाँ तक कि अपने पा को भी नहीं। और इतना सुनते ही सुपरमैन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और एक पंच में ही उसके फेस का एक टुकड़ा उड़ा देता है और उससे कहता है, तुम काले नहीं हो सकते। और वो आगे कहता है, तुम कौन हो? इस पर कालेल उससे कहता है, मैं हूँ कालेल, नया और इम्प्रूव्ड। और उसी के साथ उसका फेस का जो टुकड़ा हर्ट हो चुका था वो धीरे धीरे हील हो रहा था और वो कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुम्हारे जैसा हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे जैसा अपनी ताकतों के लिए सतर्क और डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ। याद करो, जब हम बच्चे थे तो हम बिल्डिंग के बाउंड्री से कूदते थे, किस लिए, किस वजह से? तुम इस कॉर्नर की चिंता क्यों करते हो? ये तो एक कचरा है जिसे मैंने अभी भी फेंक दिया है। और तब हम देखते हैं कि कॉर्नर स्पेस में फ्लोट कर रहा था और यहाँ पर काल उससे कह रहा था, तो तुम किसकी राह देख रहे हो? और ये सुनते ही सुपरमैन सुपरबॉय की तरफ देखते हुए कुछ महसूस करता है, जिसकी वजह से उसका कलर स्पेक्ट्रम आधा फियर और आधा लव से भर जाता है। और कुछ ना सोचते हुए वो कालेल को वही छोड़कर सुपरबॉय को बचाने चला जाता है, जिस पर सुपरबॉय उससे कहता है, आखिर क्यों? जिस पर सुपरमैन कहता है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने किया और अब ये सही होगा कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ न्यू क्रिप्टॉन पर कैंडोर में सुपरगर्ल अपनी माँ से मिलने आई थी, जहाँ पर वो कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, जिस पर उसकी माँ कहती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जिस पर वो बताती है, यहाँ नहीं, अर्थ पर। और अर्थ का नाम सुनते ही उसकी माँ को ये लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम उसके कजन को लेकर यानी कि सुपरमैन को लेकर है, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर पला बड़ा है। लेकिन कारा उसे कहती है, मैं इस वजह से डर रही हूँ कि अभी जो चीजें वहाँ पर हो रही है वो फ्यूचर में कई क्रिप्टॉन को इफेक्ट ना कर दे। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि अगर फ्यूचर की बात ही है तो हमें तुम्हारे फादर को रिमेम्बर करने तक का वक्त हमारे पास जरूर होगा। और वो दोनों ही वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर उसके फादर को रखा हुआ था। और उसकी माँ उसे कहती है, अगर एक बार मैं उनका फेस देख पाती तो। और इतना कहते ही वहाँ पर एक ब्लैक रिंग आ जाती है और उसी के साथ जॉरेल न्यू क्रिप्टॉन से राइज हो जाता है। और वो उठते ही सबसे पहले कहता है, तो तुम मेरा फेस देखना चाहती थी अलोरा, तो ये देखो मैं अब जिंदा हो चुका हूँ। दूसरी तरफ स्मॉल विले में सुपरमैन और सुपरबॉय अपने घर आ चुके थे, जहाँ पर वो सबसे पहले क्रिप्टो को देखते हैं। और सुपरमैन यहाँ पर स्कैन करता है माँ के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, ना उनका विजुअल ना उनकी हार्ट बीट। लेकिन सुपरबॉय उन्हें फिर भी हियर कर लेता है उनकी हार्ट बीट से और वो दोनों ही क्रिप्टो को वही रखकर स्मॉल विले की तरफ बढ़ जाते हैं। और वहाँ जाते ही सुपरमैन सबसे पहले कहता है, कॉर्नर मैं उन्हें सुन सकता हूँ। इस पर कॉर्नर कहता है, हाँ मैं भी, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब है, या स्मॉल विले पर कुछ तो अजीब है। इस पर सुपरमैन कहता है, क्या अजीब है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सिवाय माँ के। इस पर कॉर्नर कहता है, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, जो चीजें मुझे हमेशा परेशान करती है, एनिमल, इंसेक्ट्स और बाकी सब लोगों की आवाज। और यहाँ पर सभी लोग जैसे कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सभी लोग जैसे अर्थक्विक और स्ट्रॉम के पहले गायब हो जाते हैं, वैसे ही वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पर ना ही कोई एनिमल है, ना ही कोई डॉग पार्क कर रहा है। जिस पर सुपरमैन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, तो तुम लोग यहाँ पर हो, अपनी विधवा माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? और वो दोनों जब पीछे देखते हैं, तब सुपरमैन विल से और सुपरबॉय रेज से भर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक लैंटर्न लुइस लेन और ब्लैक लैंटर्न सुपरमैन खड़ा था और लुइस लेन ने माँ को पकड़ रखा था। और कालेल उसे कहता है, लेकिन मेरी वाइफ ने और मैंने माँ और पाक कैंट को मिलाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका ढूंढ निकाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।